वेलकम बैक। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक कमांड्स एंड रिक्वेस्ट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और बचा बाटी सीखोगे तभी जीतोगे। प्रीत सेड टू हिज सिस्टर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ जूस। प्रीत ने अपनी सिस्टर से एक ग्लास जूस के लिए यहाँ पर क्या किया है, रिक्वेस्ट की है, आर्डर दिया है या एडवाइस किया है। चार ऑप्शन हैं, चारों में से एक ऑप्शन हमें ये जो करेक्ट है उसको फिल करना है। तो बचा पार्टी, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे, सो फॉर योर कन्फर्मेशन बहुत सारी बातों का हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, बहुत सिंसियरली जज करेंगे। और वन मोर थिंग, चार ऑप्शन हैं तो पहले वन बाय वन जो ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं उन्हें हम डिलीट करते चलेंगे। सो जब प्रीत ने अपनी सिस्टर से भी एक ग्लास ऑफ जूस के लिए कहा है तो उसने क्या उसको आर्डर दिया है या एडवाइस किया है, रिक्वेस्ट किया है? तो ऑप्शन यहाँ कौन सा, ऑप्शन बी, भाई प्रीत ने अपनी सिस्टर से पानी मांगा है, प्लीज़ का यूज़ किया है, तो क्या आर्डर है? नहीं है ना, डिलीट हो गया ऑप्शन बी। एडवाइस किया उसमें, उसमें कुछ एडवाइस का कोई मैटर नहीं, ऑप्शन डी भी हाँ हमारा रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इसमें से एक ऑप्शन हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। बचा पार्टी, अगर वन बाय वन आप डिलीट करते चलेंगे तो आपको अपना दोस्त करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, यही मेरी बेस्ट ट्रिक है। सो प्रीत सेड टू, क्योंकि सेड टू यहाँ आप देख सकते हैं ये पास्ट में है, तो हमारे ऑप्शन है रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड, तो वही कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? यस, गैस कीजिए। आई थिंक आपने गैस कर लिया, भाई क्यों नहीं किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो प्रीत रिक्वेस्टेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। द मेजर द सोल्जर्स टू मूव अहेड, मेजर ने सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए, फोर ऑप्शन आ रहे हैं, रिक्वेस्ट की है, कमांड किया है, आर्डर किया है या उनको वॉर्न किया है। बचा पार्टी, चार ऑप्शन हैं, आप यहाँ ए बी सी डी देख सकते हैं, उसमें यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि जो इसमें दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। तो क्या मेजर सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, इट मीन्स क्या है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें आता नहीं है। कमांड, मेजर सोल्जर से कमांड करेंगे, श्योरली कमांड करेंगे, आर्डर भी देंगे, लेकिन यहाँ पे वॉन्ड वो नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही बैठ जाता है, मैच कर लीजिए हम चारों ऑप्शन से, कमांडेड एंड आर्डर्ड। सो हमारा यस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, टिक कर दो बचा पार्टी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक ए नॉइस, टीचर ने स्वयं से कहा शोर मत मचाइए। बचा पार्टी, चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें आप देख सकते हैं एडवाइस है, रिक्वेस्ट है और आर्डर है, आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हैं। भाई टीचर हैं वो बच्चों से क्या यहाँ शोर मत मचाइए उसके लिए एडवाइस कर रहे हैं या उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आर्डर दे रहे हैं? तो बचा पार्टी, जो कि मैं आपको ट्रिक बताया है, पहले रॉन्ग ऑप्शन को वन बाय वन डिलीट करते चलें, ईजिली आपको फिर आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं द टीचर एडवाइज्ड, भाई एडवाइस तो नहीं है, डिलीट कर दो। रिक्वेस्टेड, भाई टीचर के बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, मजाक हो रही है, यहाँ भी इसको डिलीट कर दो। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ रह जाते हैं बच्चा पार्टी। हम देखते हैं ऑप्शन बी में भी आर्डर्ड है और ऑप्शन डी में भी आर्डर्ड है, द टीचर आर्डर्ड स्टूडेंट्स हो रहा है ना, द टीचर आर्डर्ड द स्टूडेंट। अब बी ऑप्शन में नॉट टू है, दूसरे में डू नॉट है। तो बचा पार्टी, जो ये नेगेटिव वाले हमारे सेंटेंस होते हैं डू नॉट मेक ए नॉइज, जब हमें इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये डू नॉट जो है नॉट टू में चेंज हो जाएगा। सो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, टिक कर दो। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट, बस यहाँ ध्यान देना है इनकरेक्ट हमें यहाँ सर्च करना है, कौन सा जो सेंटेंस है, चारों स्टेटमेंट हैं उनमें कौन इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द प्योन टू रिंग द बेल। सेकेंड, द प्रिंसिपल कमांडेड द प्योन टू रिंग द बेल। द प्रिंसिपल आर्डर्ड द प्योन टू रिंग द बेल। और नन ऑफ दीज या इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी ये कह रहा है। तो बचा पार्टी, अब प्रिंसिपल हैं तो वो क्या करेंगे भाई, बेल को रिंग करने के लिए प्योन से रिक्वेस्ट करेंगे, कमांड करेंगे, आर्डर करेंगे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट फाइंड करना है, बहुत सिंसियरली पढ़ना है, ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द प्योन, जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रिंसिपल प्योन से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, कमांड करेंगे या आर्डर देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वेस्ट, इनमें से कौन सी एक रिक्वेस्ट है, सिट डाउन एंड डू योर वर्क, प्लीज़ ओपन द विंडो, डू नॉट डिस्टर्ब मी और गिव अप स्मोकिंग। यस बच्चा पार्टी, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, किस ऑप्शन में रिक्वेस्ट की जा रही है। यस, गेस योर आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, प्लीज़ ओपन द विंडो।
इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवाइस, इसमें से किस स्टेटमेंट में एडवाइस यूज़ की गई है, किस में आर्डर यूज़ किया गया है, किस में कमांड दी गई है, किस में प्रेयर की गई है, किस में विश की गई है, किस में कर्स किया गया है। सो बचा पार्टी सिंसियरली, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सी, ये आपका जो कमांड और रिक्वेस्ट वाला हमारा जो हम पोर्शन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या किया गया है, मुझे भी कमेंट बॉक्स में राइट करके भेज दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। तरन्नुम हर फादर टू अलाउ हर टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स। तरन्नुम ने अपने पापा से, यहाँ वो बाहर जाना चाहते अपने फ्रेंड्स के साथ, आर्डर दिया है, आस्क्ड किया है, रिक्वेस्ट किया है या टोल्ड, यहाँ पर ऑप्शन यूज़ किया जाएगा। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? यस बच्चा पार्टी, आई थिंक गैस कर लिया ना। सो यस, तरन्नुम ने पापा से क्या किया है अपने, रिक्वेस्ट। सो तरन्नुम रिक्वेस्टेड हर फादर टू अलाउ हर टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमने कमांड्स एंड रिक्वेस्ट के MCQs की प्रैक्टिस की। बचा पार्टी, अगर आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर राइट करें। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस इन टॉपिक को कवर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट सेम एग्जामिनेशन। स्टे इन टच विद अर्ली बर्ड्स क्लास। गॉड ब्लेस यू।